और घुमाओ। ये क्या हुआ, तिजोरी नहीं खुल रही? तिजोरी नहीं, तुम्हारी मुट्ठी नहीं खुल रही है, और कंजूस लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है ना। खुल गई। मजाक कर रही हो क्या? पैसे कहीं और रखकर तिजोरी क्यों दिखा रही? आप मुझे यही रखे थे, पता नहीं। मुझे लगता है मम्मी जी हमारी जगह किसी और ने प्रज्ञा की तिजोरी में झाड़ू मार दिए। सोती रह तू, कहा था मैंने तुझसे, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सेम टू यू, सोती रहती है खाली। कर यही रखे थे तो कहाँ गए वो? मैं पैसे मैं देखती हूँ अभी। सच में पैसे नहीं? अभी कहाँ गए 1 करोड़ रुपए? इसी में रखे थे मैंने। तो अगर यही रखे थे तो कहाँ जा सकते? तिजोरी निकल गई या ब्रीफकेस खा गया? तुमने रखे थे या नहीं? नहीं, इसी तिजोरी में रखे थे पैसे, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। और इसकी चाबी किसके पास थी? वो हमेशा मेरे पास ही रहती। चाबी तुम्हारे पास थी जब पैसे तुमने रखे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ पर हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पैसे रात को घूमने चले गए हो फिर सुबह को वापस आ जाए। किसी ने लिए होंगे तभी नहीं है ना यहाँ पर। तनु, ये क्या बोल रही है तू? वही कह रही हूँ जो सच है, जो हो रहा है। 1000-2000 की बात नहीं है, जो गिनती में इधर उधर हो गए तो चलेगा। 1 करोड़ रुपया गायब हुआ है। और इतने पैसे गायब भी हो सकते, चोरी हो सकते। अब तिजोरी बंद है, तिजोरी की चाबी प्रज्ञा के पास है, तो ये तो प्रज्ञा को ही पता होगा कि पैसे गए कहाँ। मैंने कल पैसे इसी तिजोरी में रखे थे, कहाँ चले गए? तो ये तो कंफर्म है कि चोरी हुई है। अब देखना ये है कि कैसे, मतलब इस रूम में सिर्फ प्रज्ञा आ सकती, चाबी सिर्फ प्रज्ञा के पास थी, तो प्रज्ञा को पता होना चाहिए कि पैसे चोरी किसने की और कैसे। कैसे? प्रज्ञा तो डर क्यों रही है? पैसे यहीं के ही हो गए, मिल जाएंगे। डर नहीं रही दादी, मुझे बस हैरानी हो रही कि इतने सारे पैसे गायब कैसे हो गए, मैं समझ में नहीं आ रहा। देख रहे हो अभी, इतनी अच्छी एक्टिंग तो तुम स्टेज पे भी नहीं कर दो। एक मॉडल रहने के बाद भी मैं इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई जितनी अच्छी एक्टिंग इस वक्त ये कर रही। तुम्हारे पैसों की कितनी फिक्र दिखा रही है, तुम्हारी मेहनत के कमाई के पैसे। अभी मैंने तुमसे कहा था कल इससे पैसे मांग लो, अगर तुम कल ही मांग लेते तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं है, सारे पैसे चोरी होते ही नहीं। तुम सोचो, जो तुम्हें इतने महीनों से पैसे नहीं देना चाहती थी वो अचानक तुम्हें पैसे देने के लिए मान कैसे गए? और वो भी इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए सारे पैसे गायब कर दिए इसने। बस तनु, बहुत हो गया, बंद करो ये सब। ये पैसे वैसे भी प्रज्ञा भाभी के, तो वो अपने पैसे अपने घर में क्यों चुराएंगे? यहाँ सब अच्छे से जानते हैं तनु कि प्रज्ञा दी ऐसी नहीं है, वो अपने ही घर में अपने पैसे नहीं चुराएंगी। अपने पैसे? आप सब लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई है, ये पैसे प्रज्ञा के नहीं है, ये पैसे अभी के जो इसने चुराए हैं। जब इसे पता चला कि मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो इसे लगा कि मेरा फ्यूचर खतरे में, और इसने सारे पैसे धीरे धीरे चुरा के अपने किसी गुमनाम अकाउंट में जमा करवा दिए। और जब इसे लगा कि मेरी और अभी की शादी हो जाएगी तो इस घर पे इसका राज खत्म हो जाएगा, इसके हाथ से सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, सब कुछ छिन जाएगा, इसलिए इसने ये सब कुछ किया। प्लीज याद करने की कोशिश करो कि तुमने पैसे कहाँ रखे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये
आज मैं ऊपर आसमानी छे, आज मैं आगे प्रज्ञा है पीछे। वाली आई कांट कली, मैं आज कितनी खुश हूँ। अगर तुम यहाँ पे होती तो हम दोनों मिलके साथ में सेलिब्रेट करते, पर कोई बात नहीं, तुम जहाँ पे हो वहीं से सेलिब्रेट करो। प्रज्ञा ने तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था ना, अब मैं उसे सारे बदले लूंगी, उसे इस घर से बाहर निकालूंगी, वो भी बेइज्जत करके। जितना अभी ने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया था, उससे ज्यादा बेइज्जत मैं उस प्रज्ञा को करूंगी। एंड यू मस्ट से कि तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि जो काम तुम नहीं कर पाई वो काम मैंने तुम्हारी हेल्प के बिना कर दिया। ऐसा फंसाया उस माँ बेटी को कि जब तक उन्हें मेरा प्लान समझ में आ जाएगा ना, तब तक तो वो और उसकी माँ दोनों अभी और अभी की लाइफ से आउट। दी पूरब, तुम आ गए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने आते ही घर के सारे कमरे चेक करना शुरू कर दी। नहीं नहीं पूरब, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है पैसे कहाँ हैं। आप जानती है कहाँ है पैसे? पैसे तनु के पास है, उसी ने चुराए हैं पैसे। पर आपको कैसे पता? देखो पूरब, मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ उसी ने चुराए, क्योंकि ऐसा करने से सबसे ज्यादा फायदा भी उसी का होगा। और वो जानबूझकर इनके थ्रू मुझसे पैसे मांग रही थी, ताकि मैं तिजोरी खोलूं, वहां पैसे ना हो तो वो चोरी का इल्जाम मुझ पे लगा दे। राइट, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं है। बट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सारे कमरों की तलाशी तो ले ही चुके ना, तन्नू का ही कमरा बचा। ये काम करते हैं, सारे घर वालों को वहां पे लेके जाते हैं और सबके सामने वो पैसे निकालते, वो ना हो वो पैसे उसके कमरे में ही होंगे। पूरब तुम सबको तन्नू के कमरे में लेकर, मैं वहां जाती हूँ। पैसे कहाँ? कौन से पैसे? वही पैसे जिनकी चोरी का इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया। ओह, पर उन पैसों के बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? I mean, वो पैसे तुम्हारे थे, रखे तुमने थे, चोरी भी तुम ही ने किए, तो फिर मुझे उन पैसों के बारे में कैसे पता होगा? तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पैसे उस तिजोरी में रखे थे और तुमने वहां से चुराए थे, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो तुम्हारी बहुत बढ़ गई, तुम्हें खुद लगता होगा कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई ये काम करके। मतलब चाबी मेरे पास से चुरा कर, पैसे चुरा कर तुमने चाबी वापस मेरे पास रख दी। देखो इस घर में ये काम सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, या आलिया या तुम। आलिया तो यहाँ है नहीं, शायद निखिल भी कर सकता था, लेकिन निखिल भी यहाँ नहीं, तो जाहिर सी बात है कि पैसे तुमने ही चुराए। चोरी करने की वजह तुम्हारे पास है और ये ऑलरेडी मैं सबको बता चुकी। वजह तो तुम्हारे पास भी है तनु, तुमने मुझे मारने का जो इतना बड़ा प्लान बनाया उसके लिए तो पैसे लगेंगे ना, और तुम्हारा वो बेचारा बॉयफ्रेंड जो हॉस्पिटल में, उसके हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए पैसे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, पैसे चोरी करके चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाकर तुम इनकी नजरों में जो मुझे गिराना चाहती हो, इसीलिए तो कल से उन पैसों के बारे में सबसे ज्यादा तुम सवाल कर रहे हो। इन्हें इनका 50% शेयर दिलाने के लिए भी तुम इतनी ज्यादा उतावली हो, इन्हें पैसे मांगने के लिए भी तुमने ही भड़काया। और तो और, जब मैंने तिजोरी खोली और वहां पे पैसे नहीं थे, ये देखकर सब चौंक गए सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम जानती थी पैसे वहां नहीं है, पैसे तो तुम तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। दी, अब क्या करें? तनु तक का कमरा चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला, समझ नहीं आ रहा पैसे गए तो कहां गए। दी, मुझे लगता है सिर्फ चोरी नहीं है ये, ये किसी की सोची समझी प्लानिंग है, I'm sure about it। लेकिन पूरब, अगर हम मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, हमने सबके कमरे चेक कर लिए, मुझे पता था किसी कमरे से कुछ नहीं मिलने वाला। मिल गई तसल्ली, अब चले। एक मिनट अभी।